नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बड़ी नरेश ठाकुर के साथ। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एचपी सेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, बी फार्मेसी के लिए हो चाहे बी टेक के लिए हो, उसका सैम्पल पेपर कैसा रहता है, क्या उसका सिलेबस रहता है, कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना रहेगा, साथ में कब आपका टेस्ट होगा, उसके ऊपर ये पूरी डिटेल वीडियो है। तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एडमिशन की कॉलम पे गए, एचपी सेट गए, यहाँ से आप शेड्यूल चेकआउट कर सकते हैं 2024 के लिए जो आ चुका है। बीटेक बी फार्मेसी के लिए डायरेक्ट एंट्री का जो आपका एग्ज़ाम होगा 10/5/2024 को फ्राइडे के दिन सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12:15 तक रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एमसीए करते हैं 10/5/2024 को 9 से 11 बजे तक के लिए आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब बात करते हैं एमबीए और एमबीए इन टूरिस्ट एंड होटल मैनेजमेंट के लिए 10/5/2024 2 से 4 बजे के बीच आपका एग्ज़ाम रहना। अब बात कर लेते हैं सैम्पल पेपर की, सैम्पल पेपर भी आप वहीं से निकाल सकते हैं। एडमिशन पे गए, यहाँ पे एचपी सेट और यहाँ पे एचपी सेट 23 सैम्पल पेपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल पेपर आ चुका है। यहाँ पे बीटेक बी फार्मा का पेपर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। टाइम यहाँ पे इन्होंने बता दिया 3 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 हैं। यहाँ पे इन्होंने 40 पेज का क्वेश्चन पेपर रहेगा, लास्ट में आपको रफ वर्क करने के लिए भी पेजेस दिए जाते हैं। जो भी सही आंसर है उस सर्कल को पूरे तरीके से फिलअप करना है, आधा सर्कल फिलअप नहीं करना है, पूरा डार्क होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ओएमआर सीट है वो स्कैनर के थ्रू चेक होगी, कोई भी टीचर उसको चेक नहीं करेगा। टोटल 180 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो 1 से 20 तक के हैं वो कंपलसरी हैं, 21 से 60 के बीच जो क्वेश्चन हैं उनमें से 30 ही अटेम्प्ट करना रहेंगे। अब उसी तरह से केमिस्ट्री के 61 से 80 तक के बीच 20 कंपलसरी क्वेश्चन हैं और 81 से 120 के बीच एनी 30 अटेम्प्ट। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की, तो इसी तरह से 121 से लेकर 140 तक के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो कंपलसरी हैं और आपको अटेम्प्ट 141 180 के बीच सिर्फ 30 ही करना रहेंगे। साथ में यहाँ पे इन्होंने ये भी नोट डाल दिया है, ओएमआर शीट को आपको फोल्ड नहीं करना रहेगा, अगर आप फोल्ड कर लेते हैं तो फिर आप अवॉइड हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा स्कैनर के थ्रू, तो आपको रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अब बात कर लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं रहेगा आपका पैकिंग हॉल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की, हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर दिए जाएंगे सही आंसर देने पर, और आप गलत आंसर अटैम्प्ट करते हैं तो -1 आपको लगेगा, अगर आप बिना आंसर दिए छोड़ देते हैं तो 0 मार्क्स रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सैंपल पेपर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला फिजिक्स का पार्ट आ चुका है, अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चन कंपलसरी। यहाँ पे इन्होंने डाल दिया इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो इसका आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स के, अगर आप अभी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप इजिली HP सेट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और लास्ट टाइम जो मेरिट आई थी SC ST OBC के लिए 20 से 30 नंबर रही थी। और बात कर लेते हैं जनरल के लिए 40 से 45 मार्क्स की कट ऑफ रही थी, लेकिन बी फार्मा में ज़्यादा कंपटीशन है इस वजह से, क्योंकि बी फार्मा के PSI अप्रूवल कॉलेज हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ बहुत कम है, फिर आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा या प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा डिफरेंस लाती है। तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, और इस पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो HPTU की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, और बहुत जल्दी हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से कॉलेज हिमाचल प्रदेश में रहेंगे HP सेट बी फार्मा के लिए, और कौन से अच्छे कॉलेज BTech के लिए रहेंगे, और कौन सा अच्छा ट्रेड आपको अच्छी कैंपस प्लेसमेंट दिला सकता है ताकि आप गवर्नमेंट जॉब पे भरोसे ना रह सकें।
तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बता दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारी एडमिशन वाली वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली है।